इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब खबर उत्तर प्रदेश की सियासत से भी। अब्बा जान के बाद यूपी इलेक्शन में अब चचा जान की एंट्री हो गई है और ये एंट्री कराई है भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने। उन्होंने ओवैसी को बीजेपी का चचा जान कहा और दोनों को ए और बी टीम बताया। ये बहरूपिया है, ये कभी तिरछी टोपी ओढ़ेंगे, कभी सिद्धि ओढ़ेंगे। बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में, ओवैसी नाम का इनका चाचा जान है, बीजेपी का चाचा जान और आ चुका है उत्तर प्रदेश में। उसका सहारा लेंगे, उसको फुल आशीर्वाद है। वो गाली देगा, ये कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। वो कुछ भी कहेगा, इनका चाचा जान है, बुला कर जाए बहुत मन्नत के बाद में। आ चुका है वो यहाँ पे, वो बर्बाद करेगा इस किसानों को यहाँ से। ये सब ए और बी टीम है, इनकी चाल समझने की जरूरत है आपको, और आपने देख भी लिया होगा। ये षड्यंत्र रचेंगे, ये चुनाव के टाइम पे भी षड्यंत्र रचेंगे। योगी आदित्यनाथ ने 3 दिन पहले कुशीनगर की रैली में पिछली सरकार पर करप्शन का आरोप लगाते हुए अपाजन शब्द का इस्तेमाल किया था। इस पर सियासी घमासान मचना तय था। माना गया कि योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को टारगेट किया। अब अखिलेश ने इस पर पलटवार किया और उन्होंने इसे हार की भाषा बताया। मामला अब्बा जान का था तो ओवैसी कैसे चुप रहते। उन्होंने भी इसे योगी की गिरती हुई साख का नतीजा बताया। इससे पहले कांग्रेस और बीएसपी ने भी इसे ध्रुवीकरण और बांटने वाली भाषा बताया था। आने वाले समय में ये निश्चित है उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है, उसकी तैयारी आज हो रही है। इसीलिए सरकार के मुखिया की भाषा बदल गई है। इनकी भाषा इसीलिए बदल गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। वो लफ्ज इस्तेमाल की अब्बा जान, क्या ये बात सच नहीं है कि आपने मुसलमानों का ड्रॉप आउट रेट कंट्रोल करने के लिए क्या किया? 60% ड्रॉप आउट रेट है उत्तर प्रदेश मुसलमानों का, 2% ग्रेजुएट होते हैं, 3% 12th पास करते हैं, और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 2017 का, मैं आपका 2017-18 का फिगर दे रहा हूँ, कितने घर दिए मुसलमानों को आपने? 10 दिए। पूरे उत्तर प्रदेश को आए कितने? 6 लाख के ऊपर। तो ये इनकी एक आदत बनी हुई है झूठ बोलने की, और ये समझते हैं कि इस तरह से बोलकर वो अपनी गिरती हुई साख को उठा पाएंगे, मगर उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। अब आपको सीएम योगी का वो बयान भी सुना देते हैं जिस पर पूरा घमासान मचा है। उत्तर प्रदेश आज एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में मोदी जी ने फ्री में अन्न योजना चलाई। पहले ये अन्न कहां जाता था? अब्बा जान के चेलों के पास चला जाता था, सब खा जाते थे, गरीब को मिलता ही नहीं था। राकेश टिकैत के बयान पर एआईएमआईएम गुस्से में है और एआईएमआईएम ने टिकैत पर हमला बोलते हुए सवाल किया कि मुजफ्फरनगर दंगे के वक्त कहां थे राकेश टिकैत। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि टिकैत किसान आंदोलन के नाम पर चुनाव आंदोलन कर रहे हैं। राकेश टिकैत साहब, आप कितने बड़े सेकुलर हैं ये मुझसे और मेरे लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। 2017 का जो चुनाव था विधानसभा का और 2019 का, इसमें आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे और बीजेपी को जिता रहे थे और पिछली सरकार को हरा रहे थे, बीजेपी को जिता रहे थे। आज भी मुझे यकीन है कि मुसलमानों के कंधों पर बैठकर आप अपनी राजनीतिक दूरी तय कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आज आप मंच पर चढ़कर जाटों की तरफ से अल्लाह अकबर का नारा बुलंद कर रहे हैं, और जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था जिसमें मुसलमानों का नरसंहार हुआ था, उस वक्त आप कहां छुपे बैठे थे? भारतीय जनता पार्टी के जो भी विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं वो एमआईएम भी उसका एक हिस्सा है, और श्री राकेश टिकैत जी जो किसान आंदोलन के नाम पर
पूरे प्रदेश में देश में ऐसा माहौल बनाने का प्रयास करते हैं कि किसान आंदोलन हो रहा है। मैं यह मानता हूँ किसान आंदोलन नहीं, यह चुनाव आंदोलन हो रहा है। और जिस तरह से किसानों ने इस आंदोलन की वास्तविकता को जान करके अपने को इससे अलग करना शुरू किया है, तो यह हताशा वाले बयान है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिद्धू कृषि कानून पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने अकाली दल पर एक बड़ा हमला बोला है। इस पर पूरी डिटेल आपको देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।